तो भैया आज तक हम लोगों ने अपने इस जनरेटर के साथ बहुत सारे अत्याचार किए। इसके अंदर LPG गैस घुसाया, गुलाल घुसाया, ओवरलोड किया और इसका मालिक टेस्ट किया। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो कुछ करने वाले हैं वो मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा, इसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। वो चीज़ हम लोग अपने इस जनरेटर के साथ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में, जो ये जनरेटर डीजल से चलता है उससे हम लोग डीजल से ना चला के इसके अंदर घुसा देंगे मिट्टी का तेल। इमेजिन करो, डीजल की बजाय हम जनरेटर में मिट्टी का तेल चला जाएगा तो जनरेटर चलेगा, लगेगा, फूकेगा, धुआं निकलेगा, क्या होगा। आज के वीडियो में हम लोग यही ट्राई करने वाले हैं। और यही नहीं, हमारा टॉर्चर यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। हम लोग ये भी करेंगे कि मिट्टी के तेल के बाद हम लोग जनरेटर में घुसा देंगे पेट्रोल। जी हाँ, डीजल इंजन में पेट्रोल डालने पर क्या होगा हमें आज सामने से मालूम चलने वाला है। और यही नहीं, यहाँ पे हमारे पास है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हम लोग इसे भी जनरेटर में घुसाने वाले हैं बारी बारी से, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई ऐसा जुर्म क्यों भाई, ये जुर्म करने के लिए आप ही लोगों ने कहा था पिछले वीडियो के कमेंट में, पिछले जनरेटर की वीडियो के कमेंट में, तो भाई आपकी बात क्यों टाली जाए। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में और भी खतरनाक चीज़ें बताओ जो हम लोग जनरेटर के साथ कर सकते हैं, अगर मस्त आइडिया होगा तो जरूर से करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं जनरेटर के अंदर मिट्टी का तेल घुसाएंगे, लेकिन इसके लिए बनाना होगा एक जुगाड़। तो भाई यहाँ पे हमारा जुगाड़ बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने लगाया एक बोतल जिसको मैंने घुसा दिया है इस सप्लाई पाइप में, और यहाँ पे हम लोग भर देंगे मिट्टी का तेल। तो यहाँ पे पूरा जुगाड़ फिट है। अब लोग लेवल चेक कर लो, मिट्टी का तेल यहाँ तक का है। अभी हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी तो पहले इसके अंदर डीजल भरा हुआ है इस फिल्टर के अंदर, वो ख़त्म होगा। जब वो डीजल ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ से मिट्टी का तेल सप्लाई होना चालू हो जाएगा। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने पहले मिट्टी का तेल भरा था वो ख़त्म हो गया है, अब हमें वापस से भरना है। इसका मतलब अब जो मिट्टी का तेल जाएगा वो जनरेटर के अंदर ही जाएगा और फिल्टर के अंदर भरा हुआ तेल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने लोड भी लगा दिया है काफ़ी ज़्यादा। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने पहली बार किया ऐसा। मैंने पहली बार जनरेटर को मिट्टी के तेल चलाया और सच में जनरेटर बिना किसी दिक्कत के, धुआं भी नहीं निकला और काफ़ी देर तक मिट्टी के तेल से चला। तो कुछ ऐसा होता है मिट्टी के तेल से जनरेटर चलाने पर, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं। तो मिट्टी के तेल से जनरेटर चलेगा वो बिना किसी दिक्कत के चला। अब हम लोग चलाने वाले हैं पेट्रोल या फिर अल्कोहल से। भाई जनरेटर में आइसोप्रोपिल अल्कोहल जाने के बाद जनरेटर खराब हो जाएगा या कुछ नहीं होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन इस बार IPL कौन जीतेगा इसका आंसर देके आप लोग अर्न कर सकते हैं रियल मनी। जी हाँ भाई, ये पॉसिबल है प्रोबो ऐप से, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप लोग सिंपली यस और नो में आंसर देके अर्न कर सकते हैं रियल मनी। यहाँ पर क्रिकेट, फाइनेंस, न्यूज, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और क्रिप्टो रिलेटेड टॉपिक्स के सवाल होते हैं। इसे 4 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेरे सामने क्वेश्चन है कि इस बार मुंबई इंडियंस IPL जीतेगी या नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है कि नहीं जीतेगी। तो नो का ओपिनियन 7 रुपये का है और यस का ओपिनियन 3 रुपये का है। तो मेरा आंसर इस साल के लिए नो होगा। और यही नहीं, अगर आप अपने जवाब को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो इसमें और ज़्यादा पैसे लगा के आप लोग बड़ा अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। और इसका ये भी फायदा है कि अगर आप इस ऐप का लगातार यूज़ करेंगे तो आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि यहाँ पे आप लोग दिन के 10,000, महीने के 25,000 और हजार लोग तो लाखों से ज़्यादा रुपए अर्न कर रहे हैं। भाई इसका एक और फीचर है कि हम लोग सिंपली स्कोर प्रिडिक्ट करके भी बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं। जैसे कि अगर गुजरात और लखनऊ का मैच होने वाला है तो इसकी पहली पारी में मैक्सिमम कितना स्कोर बनेगा हमें ये प्रिडिक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 165 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 रुपये लगाता हूँ। अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो यहाँ पे मैं 3,000 रुपये तक का जीत जाऊँगा।
इसके अलावा आप लोग अपने प्रॉफिट को इजीली यूपीआई के जरिए विदड्रॉ कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा 25 रुपए का साइन अप बोनस। तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्रूफ पे आओ, ओपिनियन शेयर करो और पैसे अर्न करो। भाई इतना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 200 रुपए का है, तो भाई इसके लिए एक लाइक जरूर से बनता है। और ये गया इस बोतल में, ये पूरा का पूरा मैंने 200 रुपए का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भर दिया, 200 रुपए खल्लास। तो यहाँ पे ऐसा लगा कि हम लोगों ने ये लिमका भर दिया है, तो मिट्टी के तेल के साथ मिलके इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। भाई यहाँ पे बहुत जोर जोर की आवाज आने लगी थी, ऐसा लगा है कि जनरेटर अंदर से डैमेज हो गया है, खट 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 की आवाज आ रही थी। अब तभी मुझे इसे बंद करना पड़ा और मैं ये सारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल निकाल देता हूँ। अब पता नहीं दोबारा स्टार्ट होगा भी या नहीं होगा, पेट्रोल से चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो अगला अटेम्प्ट करने से पहले मैं इस फिल्टर के अंदर भरा हुआ जो भी फ्यूल है, सैनिटाइजर होगा, डीजल होगा, मिट्टी होगा, वो सब मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आगे करता हूँ। भाई इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ओ, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ओ भाई ये खुलने वाला है। ओ ये देखो, ये रहा फिल्टर और इसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजर, मिट्टी का तेल और मिश्रण भरा हुआ है। ये देखो सब कुछ मिला हुआ, मिट्टी का तेल भी है, सैनिटाइजर भी है इसी के अंदर। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि मिट्टी के तेल है जनरेटर काफ़ी देर तक चला, आराम चला, बिना किसी दिक्कत के चला, फिर उसे स्टार्ट करने में दिक्कत आने लगी। लेकिन ठीक तरीके से स्टार्ट करके हम लोगों ने जनरेटर को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से चलाने की कोशिश करी, फिर अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, लगता कि जनरेटर फट जाएगा। उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या किया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसके अंदर से पूरी तरीके से निकाल दिया है। अब हम लोग इसे पेट्रोल से चलाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले जनरेटर स्टार्ट होगा भी या नहीं ये चेक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब जा चुका है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वे अरे यार, अबे यार, ओहे भाई कितनी कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा कुछ कुछ से। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया जनरेटर, खराब हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि मिट्टी के तेल से थोड़ा ही बहुत नुकसान हुआ था, स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गया उसके बाद जनरेटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। जब तक चल रहा था लेकिन जैसे ही मैंने बंद किया उसके बाद ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो कभी भी मिलावट मत करना, डीजल से ही चलने वाली चीज़ डीजल सही चलाना, तो कुछ ऐसा होता है मिट्टी तेल और सैनिटाइजर यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जनरेटर में डालने पर पेट्रोल डालता तो भी साथ ख़राब ही होता। तो भाई वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जनरेटर के लिए लाइक जरूर बनता है इस जनरेटर के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके दबाना बनता है। अभी हमें इसे वापस सही कराना होगा, पता नहीं कितने खर्च आएगा।
तसरी बस नहीं, टाटा बाय बाय। सुबह शाम साथ रहूं पूरा दिन तेरा।